मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी रात है। इसके बाद जो है सन 2022 में हम प्रवेश करेंगे और सन 2022 कैसा रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की रात के लिए जो मुमरा पुलिस द्वारा बंदोबस्त किया गया है वो हम आपको बता दें कि वाई जंक्शन से लेकर के और रेती बंदर तक कड़क नाकाबंदी की जाएगी और किसी भी तरह का बाइक पर ट्रिपल सवारी जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में हमारी जो है यहाँ के मुमरा के सीनियर PI जो दादा हरी चौरे साहब हैं उनसे भी बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि अगर गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलोअप ना करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और रात में जितने भी बाइकर्स हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे क्या कहा है और नए साल की शुभकामनाएं कैसे दी है वो हम आपको दिखाते हैं और हमारे नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन हाजी के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़। 31 डिसेंबर आलाय म्हणजे की नवीन वर्ष आहे, त्याच्यामध्ये खूप लोक गर्दी करतात, तर आपण मुंब्रा साठी आपण काय केलेत, कुठले निर्बंध आहे, काय सांगणार आपण? 31 अनुषंगाने जे महाराष्ट्र शासनाने जे गाईडलाईन दिलेले आहेत त्याचे तंतोतंत पालन करणे कामी आम्ही पूर्ण मुंब्रा शहरात महत्त्वाचे जेवढे ठिकाण आहेत तेवढ्या ठिकाणी बंदोबस्त लावलेला आहे। तसेच आपल्या मुंबई शहरात प्रवेशाची जी ठिकाणं आहेत जसे वाय जंक्शन असेल किंवा इकडं रेती बंदर असेल त्या ठिकाणी नाकाबंदी आहे। ड्रंक अँड ड्राईव्ह जर कुणी करून गाडी चालवताना मिळालं तर त्यानुसार कारवाई केली जाईल, किंवा ट्रिपल सीट कुणी फिरत असेल तर त्याच्यावरसुद्धा कारवाई केली जाईल। तर माझं सर्वांना आव्हान राहील की 31 हा कार्यक्रम आपण आपल्या घरीच साजरा करा, बाहेर कुणी त्याचं करणार नाही, जेणेकरून हे नवीन जो ट्रेंड चालू आहे कोरोनाच्या संदर्भात तर त्याचा फायदा होणार नाही। तर आपण मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहेत, म्हणून आपण कसं म्हणजे लोकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देणार? मी माझ्याकडून सर्व मुंब्रावासियांना येणाऱ्या 2022 वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि लोकांना आवाहन करतो की आपण नशामुक्तीपासून दूर राहा, जर कोणी करत असेल तर पोलिसांना कळवा, त्याच्यावर 100% कारवाई केली जाईल।